जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ apprenticeshipindia.org या फिर .gov.in वेबसाइट के ऊपर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इसका रजिस्ट्रेशन करने का क्या फ़ायदा होता है और क्यों ये ज़रूरी है एंड किन किन कैंडिडेट को ये रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी होता है और इसका क्या फायदा होता है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके पास में आपके रजिस्ट्रेशन करने से डेटा पहुंच जाता है कि हाँ इस कैंडिडेट ने यहां पर किया है, और फिर उनके पास में टोटल डेटा आ जाता है कि इतने कैंडिडेट जो स्किल इंडिया मूवमेंट भारत ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था तो उसके चलते इतने लोगों ने फायदा लिया है, इसलिए आपसे यहां पर ये रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। एंड दूसरा, ये जो अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन है इससे क्या फायदा होता है। तो बेसिकली इसके आधार पर आपके लिए काफी सारी वैकेंसीज निकलती है जहां पर आपसे मेन क्वालिफिकेशन तो मांगी ही जाती है, साथ ही आपसे ये भी कहा जाता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। तो ऐसे में जो कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन करके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर लेते हैं एक साल की डेढ़ साल की, तो फिर कुछ सारी वैकेंसी ऐसी होती है रेलवे के अंदर टेक्निकल वाली जिनमें कि अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग भी मांगी जाती है कंपल्सरी रूप से। इसलिए आपको ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो करना जरूरी होता है अगर आप टेक्निकल जॉब के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तो ये इसके फायदे और ये इसलिए करना जरूरी होता है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल है कि सर मैं आईटीआई वाला नहीं हूं और मैं सिर्फ 10वीं पास हूं तो मैं इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। तो जी हां, आप 10वीं भी इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकती है। पहले सिर्फ आईटीआई ही कर पाते थे बट अब जो 10वीं पास है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि कई सारी वैकेंसी ऐसी निकलती है जिसमें कि 10वीं पास के माध्यम से आप अप्लाई कर पाते हैं। तो चलिए, ये तो ही इसके बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये जो वेबसाइट मैंने दी है इस पर आपको थोड़ा लास्ट में आना है इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में, और यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आने पर आपको पर्सनल डिटेल देखने को मिल रही है। अब मैंने कहा था कि इस पर आईटीआई वाले भी अप्लाई दसवीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान दें कि आप यहां पर जो दसवीं पास है वो तो कर चुके हैं और आप आईटीआई के स्टूडेंट है यानी कि आपने आईटीआई के अंदर एडमिशन लिया है बट अभी आपने आईटीआई नहीं किया है, ना तो पहला साल ना ही दूसरा साल। तो आप यहां पर आईटीआई स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे एंड जो आपका रोल नंबर है फर्स्ट ईयर का या फिर सेकंड ईयर का वो यहां पर आपको डाल देना है। एंड अगर आप जो आपकी आईटीआई है वो कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फिर आईटीआई स्टूडेंट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। अब यहां पर जो रोल नंबर है वो आप एंटर करेंगे एंड फाइंड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके डिटेल फाइंड कर लेंगे, बट अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं आईटीआई तो फिर आप इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे। एंड देन यहां पर जो आपका नाम है वो आपको आपके आधार या फिर पैन नंबर या फिर जो गवर्नमेंट आईडी है उसके अकॉर्डिंग देना है, बेसिकली सेम नाम आपका, आपकी जो टेंथ की मार्कशीट है उसके। फिर यहां पर आता है आपके फादर मदर स्पोस नेम, तो आप यहां पर इनमें से किसी एक का नाम एंटर करेंगे और ये नाम एंटर करने के बाद में आप यहां पर बताएंगे रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करके कि आपने फादर का नेम दिया है, आपने मदर यानी कि माता जी का नाम दिया या फिर पति पत्नी का नाम दिया है, जो भी आपने दिया है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपकी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डीओबी है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहां पर जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर जो आपका नंबर है वो आप यहां पर एंटर करेंगे और अल्टरनेट नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं वो आप यहां पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है आपका ईमेल आईडी, तो जो आपका वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको यहां पर एंटर करना है क्योंकि इसके ऊपर एक ईमेल पर एक्टिवेशन लिंक सेंड किया जाएगा, इसलिए सही ईमेल आईडी फिल कीजिएगा। फिर आपको यहां पर कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर दोबारा डाल करके इस ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है। एंड देन यहां पर आता है आपके सामने पासवर्ड, तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेना है। ये आप अपनी चॉइस का पासवर्ड रख सकते हैं। एंड यहां पर जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप यहां पर चेक करेंगे और अच्छे से चेक करने के बाद में आप यहां पर टिक करेंगे एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने ईमेल आईडी भरी थी उसके ऊपर एक एक्टिवेशन लिंक सेंड किया गया है। अब आप अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लीजिएगा जहां पर भी आपने ओपन करके रखी है अपने मोबाइल में, और फिर आप उस ईमेल में जैसे देखेंगे कि एक ईमेल आई होगी स्किल इंडिया की तरफ से, तो आपको ईमेल ओपन करनी है, उसमें जो एक्टिवेशन लिंक दिया है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसी वेबसाइट पर आएंगे और आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ईमेल या फिर जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद में यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और जो यहां पर आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे, यहां पर टिक करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है एंड देन आप अपने लॉगिन के लिए डैशबोर्ड
मोड में आ जाएंगे। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर ऐसा इंटरफेस नहीं आता तो आप राइट साइड में यहाँ पर क्लिक करके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर देखेंगे। आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वो वाली देखने को मिलेगी जो कि अभी आपने भरी है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी है। मैंने यहाँ पर इस प्रोफाइल को पहले से कंप्लीट करके रखा है इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से दी गई है, बट अभी मैं इसको एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अबाउट मी के सामने जो एडिट का लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि अभी आपने भरी थी और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि डिसेबिलिटी दिव्यांग अगर है तो यस पर टिक करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है, जिसमें कि आप आधार पैन या फिर टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट JPEG, PNG या फिर PDF का रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। एंड देन यहाँ पर जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपका फादर का नेम, ये तो आपने पहले से भर दिया है, और अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ID प्रूफ। तो आपको कोई एक ID सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपके पास इनमें से ID है, और अगर आपके पास जैसे कि पैन और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके उस ID का नाम आप यहाँ पर देंगे, और ID का नाम देने के बाद में आप यहाँ पर वो ID अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो स्टेट ऑफ डोमिसाइल है वो कौन सा है। तो आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल बेसिकली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है, एंड देन जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। एंड देन यहाँ पर आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी सिटी का नाम देना है, एड्रेस आपको यहाँ पर अपना इन दोनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके लिख देना है, स्टेट सेलेक्ट करनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, एंड जो आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो आपका फोटो है जो कि यहाँ पर आएगा प्रोफाइल पर, वो फोटो आपको अपलोड करना है। इसका साइज 4 MB से कम रहना चाहिए। एंड फिर यहाँ पर अबाउट मी में आप अगर अपने बारे में कुछ बताना चाहते तो आप यहाँ पर बता देंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं, और इसके बाद में आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। मेरी जानकारी अपडेट आ रही है क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से है, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये जानकारी फिल करने के बाद आप यहाँ पर फिर से प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप नहीं आते तो राइट साइड में यहाँ पर क्लिक करके प्रोफाइल पर आ जाइएगा, और फिर अब आप यहाँ पर एजुकेशन में एड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। तो पहले तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन में आपको आपकी जो 10th है वो सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के अंदर बेसिकली खाली छोड़ देना है क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। इंस्टीट्यूट के नेम के अंदर आपको बताना है कि किस स्कूल या कॉलेज से आपने आपकी 10वीं की है, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे, परसेंटेज आपको यहाँ पर डालनी है। एंड देन यहाँ पर कब आपने 10th में एडमिशन लिया था वो आप यहाँ पर डेट देंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट दे सकते हैं, अंदाजन डेट। एंड यहाँ पर कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ये सब देने के बाद आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम तरीके से आप फिर से प्रोफाइल पर आ जाएंगे, बैक टू प्रोफाइल पर क्लिक करके, एंड देन आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके अब यहाँ से जो आपका 12th है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो 11th की जानकारी भी दे सकते हैं और फिर लगातार 12th की जानकारी दे दीजिएगा। जैसे कि मैं आपको प्रिफेयर कर रहा हूँ कि 10th 12th ही भर दीजिए, 11th की अगर भरना चाहे भर सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप बेसिकली 12th सेलेक्ट करेंगे। 12th के बाद में यहाँ पर आपको बताना कि आपने किससे की है, साइंस, ह्यूमैनिटी या फिर कॉमर्स, जिससे भी किया वो सेलेक्ट कीजिए। स्पेशलाइजेशन के अंदर बताना कि आपके कौन से मेन सब्जेक्ट थे, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी था वो आप लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूट के अंदर आपको आपके कॉलेज का नाम देना है, नंबर बताने के कितने नंबर आए थे, टोटल मार्क्स आपको लिखने हैं, परसेंटेज यहाँ पर लिखनी है, स्टार्ट डेट एंड डेट देनी है, आपका 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। एंड फिर से आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे, और फिर से आपको जो आपकी एड एजुकेशन है उसके ऊपर क्लिक करके आना है, और यहाँ पर फिर से आपको आपकी जो ITI की इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। अगर आपके पास ITI डबल है तो आप ITI डबल सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास ITI है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, ITI का रिजल्ट अवेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। और बेसिकली अभी मैं आपको ITI की दिखाता हूँ, मैं ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि NCVT से किया है, फिर SCVT से, जिससे भी किया वो सेलेक्ट कर लीजिए। स्पेशलाइजेशन यानी कि किस ट्रेड के अंदर किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे, इंस्टीट्यूट यानी कि कहाँ से किया उसका नाम देंगे, एग्रीगेट नंबर लिखेंगे जो नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, कितने में से हुए वो आप टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे,
परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी लिख देनी है, यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट देनी है और यहाँ पर एंड डेट देनी है। एंड यहाँ पर आप अपना जो ITI का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो अपलोड कीजिए। मैं आपको यहाँ पर प्रिफेयर करवाऊँ कि जो भी आपके पास ईयर वाइज सर्टिफिकेट है आपका या मार्कशीट है, वो आप PDF के रूप में एक फाइल में बना करके अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि साइज आपको 4 MB का दिया है, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। एंड देन फिर से आप इसको सेव कर देंगे और ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि कोई डिप्लोमा ग्रेजुएट इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो सेम तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर बाकी की जानकारी ऐसे ही भरनी है जैसे कि अभी आपने 10th, 12th और ITI की भरी है। और ये करने के बाद आप यहाँ पर फिर से बैक टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके आपकी प्रोफाइल के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपने जो क्वालिफिकेशन भरी है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि 10th, ITI किसके द्वारा की है वो देख सकते हैं, फिर जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट नेम देख सकते हैं, प्रोग्राम डेट यानी कि कब से लेकर के कब तक आपने की है वो देख सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे, और यहाँ पर जो आपका डिटेल है वो आप एडिट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कोई प्रीफ्रेंस देना चाहते हैं, जैसे कि मैं जो फिटर है उसको प्रीफ्रेंस दे रहा हूँ ताकि मुझे इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप यहाँ पर एडिट करके इसको दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है। आधार वेरिफिकेशन करना चाहते तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है, जिसके माध्यम से आप अन्य किसी वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, यही वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसका इस्तेमाल आपको किसी और वेबसाइट पर जाकर के करना होता है, जहाँ पर पूछा जाता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए apprenticeshipindia.gov.in। अभी यहाँ पर आप प्रोफाइल कंप्लीशन 50% देख रहे हैं, तो ये 50% अगर इतना भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जैसे जैसे इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे, जो भी आपके पास आती रहेगी, तो ये आपका जो प्रोफाइल कंप्लीशन है वो बढ़ता रहेगा। बट इसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जिस वैकेंसी में चाहे उसमें। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग ITI अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन NCVT SCVT का कर पाएंगे 2023 के अंदर। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर एक सवाल आया कि प्रिंट कैसे ले, तो आपको मैं प्रिफेयर करूँगा कि आप Ctrl+P का इस्तेमाल करके ही इसको प्रिंट करें, क्योंकि इस पर कोई ऐसा यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है प्रिंट करने का। तो आप यहाँ पर Ctrl+P करें और उसके बाद में आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा PDF के रूप में। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।